जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उनकी मां कतार में खड़ी रही थी। चुनाव की बात हो तो हमेशा वो वोट डालने जरूर जाती हैं। कोविड 19 का जब टीका लगना था तो वो एक तरह से जब लोगों में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हेसिटेशन था, तो प्रधानमंत्री की मां ने टीका लगवाया और एक तरह से लीड बाय एग्जांपल करती थी। वो प्रधानमंत्री की मां है और सबसे आगे पंक्ति में कतार में खड़ी भी रहती है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही सिंबॉलिक रहता है जब कोविड की बात, अब जब देश में एक बार फिर ये कोविड की बात आ रही है तो आपको पता हो कि वो खुद गई थी जब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए थे, तो खुद उनकी जो वैक्सीनेशन की तस्वीर है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आई थी, वो खुद वैक्सीन लेने के लिए गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक साफ संदेश जो है वो उनके ज़रिए यहाँ पर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री देखिए, चाहे वो कोई और केदारनाथ की बात अगर हम करते हैं गौरव, तो केदारनाथ में भी जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो खुद हीराबा के जरिए 5001 जो खुद की सेविंग है वो यहाँ पे उनके जरिए पीएम केयर फंड में दी गई थी। और ये एक चीज रहती है कि वो हमेशा एक जो साफ संदेश है वो देती है, जो क्लियर संदेश लोगों के लिए एक मैसेज रहता है और बहुत महत्वपूर्ण रहता है वो मैसेज, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की माताजी इस तरीके से कहती है तो ये बेहद दिलचस्प रहता है और बेहद महत्वपूर्ण भी रहता है, क्योंकि एक संदेश के साथ साथ जो तस्वीर हमारे पास आती है बेहद भावनात्मक वो तस्वीर रहती है। माँ अपने बेटे को प्यार से, देखिए बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री भी क्यों ना बने, लेकिन माँ के लिए वो अपना बेटा ही रहता है। और वही तस्वीरें हमारे सामने अक्सर देखने मिलती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैर छू रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, उनके गालों को वो प्यार से उनके गालों पे हाथ घुमाती है और बकायदा उनके सर पे इस तरीके से हाथ रखती है कि मानो हर जन्म के आशीर्वाद उन्होंने दे दिए हैं। तो यही एक संदेश रहता है और यही एक जिसे कहते हैं जो भावनात्मक तस्वीरें रहती है माँ बेटे के प्यार की, वो हमें अक्सर इसी तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि वो ये एक कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी बन जाए बेटा, लेकिन बेटा माँ के लिए हमेशा बेटा ही रहता है। सही बात है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी मां की सेवा कर रहे हैं, या जो तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर जब वो शतायु हुई, जब 100 वर्ष की हुई, तो प्रधानमंत्री ने उनके चरण धोए, ये कितना बड़ा संदेश और संकेत भारतीय संस्कृति के बारे में है कि माता पिता की सेवा से ही जीवन आगे चलता है, सुचारू रूप से चलता है और सफल होता है। मतलब हमारे देश के वो संस्कार नहीं है कि माता पिता को कहीं ओल्ड एज होम में डाल दिया, यहां बच्चे खुद माता पिता की सेवा करते हैं। बड़ा संदेश यहां भी गोपी। बिल्कुल देखिए गौरव, ये एक बहुत बड़ा संदेश रहता है जब प्रधानमंत्री खुद, जब माताजी शतायु हुई और तो प्रधानमंत्री खुद उनको मिलने के लिए गए, माताजी के लिए एक तोहफा लेकर आए थे, जब वो पहुंचे तो वहां पे एक तोहफा भी था जो माताजी के लिए वो लेकर आए थे और बकायदा तोहफे में शॉल दिया था। और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे जब भी देखिए, इस वक्त यहाँ से हमें हटाया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो यहीं से वापस लौट रहा है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ से सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा हटाया जा रहा है गौरव। और लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पे है, ये जो शतायु का उनका जन्मदिन थे, क्योंकि 100 साल की उनकी माताजी हुई है और 100वें साल में प्रवेश किया है और तब भी वो बकायदा अपनी माताजी के साथ बैठे थे कई बार तक, और देखिए बिना लाठी के वो चलती थी जब 100 साल की उम्र की हुई तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने अक्सर देखा है, अभी चुनाव था, वोट डालने के लिए वो पहुंची हुई थी, उस वक्त भी वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। और ये एक हम कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री और उनकी माताजी का जो मिलन का लम्हा होता है वो काफी खास रहता है। तो अभी गोपी को जहां पर यूएन मेहता अस्पताल के सामने मेरी सहयोगी गोपी और तमाम मीडिया के कर्मी खड़े हैं, वहां उसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी निकलेंगे, इस समय अस्पताल में है, अपनी मां का कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर गोपी जैसा मेरी सहयोगी बता रही हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों हो चुका है। जो मेडिकल बुलेटिन अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया था उसमें कहा गया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की हालत स्थिर है और डॉक्टरों से जो बातचीत सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। और गोपी 100 वर्ष उनकी आयु है, स्थिति में सुधार हो रहा है। अब से थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी यहां आएंगे।